डियर स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश कुमावत आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी सिलेबस के बारे में, और आपके बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको दो यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो सेक्शन आपका है वो है बॉटनी का, जिसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो सेकेंड आपका सेक्शन है वो है जूलॉजी का। बॉटनी वाला जो सेक्शन है आपका, उसके अंदर भी 5 यूनिट है, और जूलॉजी वाले सेक्शन में भी आपके कितने यूनिट्स है? 5 यूनिट है। आप दोनों यूनिट्स को अगर कंपेयर करें तो दोनों यूनिट्स के मार्क्स क्या है, सेम है। फर्स्ट जो आपकी यूनिट है बॉटनी वाले, वो उसके मार्क्स भी कितने हैं आपके? 28 मार्क्स हैं। और जो सेकंड यूनिट है आपकी जूलॉजी, उसके भी कितने मार्क्स है? 28 मार्क्स है। अगर हम बोर्ड की बात करें तो आपके बोर्ड के अंदर सेशनल मार्क्स है 14, और प्रैक्टिकल मार्क्स आपके कितने जाते हैं? 30। एंड नेक्स्ट जो है आपका थ्योरी का जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 56 का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉटनी का जो सेक्शन है वो 28 मार्क्स का है, और जूलॉजी का सेक्शन कितने मार्क्स का है? 28 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 56, और प्रैक्टिकल के 30, और सेशनल मार्क्स होते हैं 14, और इस तरीके से आपके 100 मार्क्स क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। बॉटनी वाला जो सेक्शन है वनस्पति विज्ञान, इसके अंदर आपके 5 यूनिट है। आप देखना यहाँ पे जो मैंने ब्लैक मार्कर में लिखा है ये यूनिट का नाम है, और जो ब्लू मार्कर में है वो उस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर इंक्लूडेड है वो बता रहा है, और जो रेड मार्कर के अंदर लिखे गए हैं वो क्या है आपके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखेंगे फर्स्ट इकाई, फर्स्ट आवर्त बीजी पादपों में जनन और विकास। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो हमने पढ़ा था 11th के अंदर के एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन से होते हैं, जिनके अंदर सीड क्या होते हैं? कवर्ड, यानी कि जिनके बीज क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं। तो उन पादपों के अंदर जनन के अंदर कायिक, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में बताया गया है। नर और मादा युग्मक की संरचना और उसके विकास के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। ये सेकंड लेसन इसी का, इसी यूनिट का। थर्ड लेसन इस यूनिट का है वो निषेचन, भ्रूण परिवर्धन, फल और बीज का विकास, ये आपके थर्ड लेसन है इसके अंदर। और इसी यूनिट का जो फोर्थ लेसन है असंजनन और बहुभ्रूणता, ये जनन की विशिष्ट विधियां हैं जिसके बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट आपकी है इकाई सेकेंड यूनिट आपकी है पादप कार्य की, जो कि इसके अंदर कितने लेसन है? 5 मार्क्स लेसन है, और जो कितने मार्क्स की है? 9 मार्क्स की है। इसके अंदर पहला जो दे रखा है पादप जल संबंध, आप ध्यान देना पादप जल संबंध के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा दे रखा है रसारोहण यानी विसरण, परासरण, स्फीति दाब और जल भित्ति और जल विभव के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। खनिज पोषण के अंदर हम देखेंगे सूक्ष्म खनिज पोषक तत्व और वृहद खनिज पोषक तत्व, और जो उन पोषक तत्वों की आवश्यकता और उनके कारक, उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन और बिंदुस्राव, ये भी पादपों के अंदर यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो इसका फोर्थ लेसन है वो जल अवशोषण और रसारोहण है, और जो फिफ्थ लेसन है वो है एंजाइम्स, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं, उन एंजाइम्स के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी की सेकेंड पार्ट, यानी कि पादप कार्य के सेकंड, इसके अंदर कितने लेसन है? 4 लेसन है, जो कि कितने मार्क्स कवर कर रही है? 5 मार्क्स। तो इसके अंदर जो फर्स्ट लेसन है वो कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण पादपों के अंदर। यहाँ पर ध्यान देना प्रकाश संश्लेषण के अंदर आपने जो पहले पढ़ा है उस लेवल का नहीं, यहाँ पर हम प्रकाश संश्लेषण के सारे चरणों के बारे में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, C3 चक्र एंड C4 चक्र के बारे में भी पढ़ेंगे। श्वसन के अंदर प्रोटियोलाइटिक श्वसन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन चक्र। और पादप वृद्धि हार्मोन के अंदर हम पादप वृद्धि संदमक हार्मोन को भी पढ़ेंगे, जो पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपकी है 4 जैव प्रौद्योगिकी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी इन प्लांट्स। अब यहाँ ध्यान देना है यहाँ पर जो जैव प्रौद्योगिकी है वो पादपों की है, और जूलॉजी वाले सेक्शन में भी जैव प्रौद्योगिकी दे रखी है, लेकिन वहाँ बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी वाले पोर्शन की है। इस जैव प्रौद्योगिकी के अंदर आपके कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर है, और यहाँ पर ये कितने मार्क्स कवर कर रही है? 5 मार्क्स कवर कर रही है। यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय किस, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इसका इतिहास, कि पहले जैव प्रौद्योगिकी का इतना उपयोग नहीं था और आज इसका सबसे अधिक उपयोग क्यों किया जा रहा है। नेक्स्ट है आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिकल बायोटेक्नोलॉजी, और प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन। बहुत अधिक मात्रा में जब आपको पादपों की आवश्यकता होती है तब उनका उत्तक संवर्धन करते हैं, किसके? प्रयोगशाला के अंदर, और इसको हम हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। जो आप 11th के NCERT का बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर दे रखा है NCERT के अंदर कि पादपों को एक उचित पोषक विलयन में उगाने को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। तो यहाँ पर हम विशेष करके हाइड्रोपोनिक्स पर डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 5
आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण। इसके अंदर आपके कितने चैप्टर हैं? चार चैप्टर हैं और ये भी आपके कितने मार्क्स कवर कर रही है? 5 मार्क्स कवर कर रही है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है वो पहले तो ये होगा आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के थ्रू आपके पादप जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तेल, रेशे, मसाले, औषधि वाले पादप जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, जिससे इनका आर्थिक क्या महत्व है देश के लिए। अगला है प्रतिपालनीय कृषि, कृषि के बारे में, जैव ऊर्जा मतलब बायोगैस और बायोडीजल यहाँ पर, और आर्थिक वनस्पति विज्ञान। इस तरीके से हमारा जो बोटनी वाला सेक्शन है वो 28 मार्क्स क्या करता है? कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी वो है जूलॉजी। इसके अंदर जो आपके फर्स्ट यूनिट है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट। इसके अंदर भी आपके 5 लेसन हैं और वो कितने मार्क्स कवर कर रही है? 7 मार्क्स कवर कर रही है। फर्स्ट है अध्यावरणी तंत्र। अब ध्यान देना, अध्यावरणी तंत्र के अंदर हम त्वचा के बारे में पढ़ेंगे, त्वचा की यानी कि स्किन की हिस्टोलॉजी और त्वचा की परतों के बारे में पढ़ेंगे। अगला है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और इसके अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। अब एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि श्वसन तंत्र आपने अभी तक जो पढ़ा है 11th क्लास तक या 10th क्लास तक, यहाँ पर श्वसन तंत्र के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो है आयतन, यानी कि जो लंग्स हैं उनके आयतन के बारे में पढ़ेंगे कि 5000 मिलीलीटर और लीटर कैसे हम गैस को लेते हैं उसके बारे में यहाँ पर आयतन को पढ़ेंगे, जिसको हम फुफ्फुसीय आयतन बोलते हैं, लंग्स वॉल्यूम भी बोलते हैं। अगला जो हमारे सेकेंड यूनिट है मानव कार्य की सेकेंड, ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकेंड, जिसके अंदर कितने लेसन है? 5 लेसन है और ये कितने मार्क्स कवर कर रही है आपके? 7 मार्क्स। इसके अंदर तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग, ज्ञानेंद्रिया, जिसके अंदर सिर्फ संवेदी अंग यहाँ पर केवल कान और आँख के बारे में ही दे रखा है। अगला है जनन तंत्र, नर और मादा जनन तंत्र दोनों, रासायनिक समन्वय के अंदर आपको ध्यान देना यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम दोनों के दोनों ही दे रखे हैं। एंडोक्राइन के यानी अंतःस्रावी तंत्र और बहिस्त्रावी तंत्र। गति व चलन, चैप्टर का नाम है गति व चलन, लेकिन वास्तव में इसके अंदर किसके बारे में दे रखा है? कंकाल और पेशियों के बारे में दे रखा है। तो कंकाल के बारे में यहाँ पूरा विस्तृत जानकारी है और पेशियों के बारे में भी, और इस पेशियों के अंदर जो पाए जाने वाले ऊतक है उनकी संरचना के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है थर्ड वो है मानव भ्रूणिकी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, जिसके अंदर आपके कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर है और ये कितने मार्क्स कवर कर रही है? 5 मार्क्स। युग्मक जनन, यहाँ पर देखो युग्मक जनन, शुक्र जनन और अंड जनन, तीनों जनन के बारे में पढ़ाएंगे। अगला है निषेचन, भ्रूणीय परिवर्धन यानी कि भ्रूण का परिवर्धन माँ के गर्भ में कैसे होगा, गैस्ट्रुलावस्था, ब्लास्टुलावस्था और जो मोरुलावस्था है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आर्तव चक्र का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के FSH हार्मोन, LH हार्मोन और एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का क्या वर्क है उसको भी यहाँ पढ़ेंगे। यूनिट 4 है आनुवंशिकी एवं जीनोमिकी। अब ध्यान देना, जेनेटिक्स और जीनोमिक यानी कि जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी आपने क्लास 10th में पढ़ी है वो सारे के सारे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर अब आपके काम आएगी। इस यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर हैं और ये 5 मार्क्स कवर कर रहे हैं। यहाँ पर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, गुणसूत्र विकृतियाँ के अंदर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। गुणसूत्र विकृतियाँ का मतलब हीमोफीलिया और गुणसूत्र विकृति के कारण से जो जितने भी सिंड्रोम होते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और उत्परिवर्तन यानी कि DNA के अंदर अवांछित परिवर्तन जो हम नहीं चाहते हैं वो परिवर्तन होते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है 5th, मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य। अब ध्यान देने वाली बात है, दोनों टॉपिक बॉटनी और जूलॉजी के अंदर देखो मानव कल्याण और यहाँ पर भी मानव कल्याण के, यानी बॉटनी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है और जूलॉजी का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, दोनों के दोनों यूनिट यहाँ पर क्या किए इन्होंने? कवर किए। देखो फर्स्ट है मानव जनसंख्या, इसके अंदर जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर सहज प्रतिरक्षा तंत्र और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में डिटेल्स देखेंगे। रोग के अंदर मानव के सामान्य रोग और इसके अलावा जो विशेष रोग हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, कैंसर, असंक्रामक रोग उनके बारे में भी है। जैव चिकित्सा तकनीक का यहाँ पे ध्यान देना है, बायोटेक्नोलॉजिकल जितनी भी टेक्निक है उन बायोटेक्निक के बारे में भी स्टडी करेंगे, ECG, MRI, इसके अलावा CT स्कैन, MRI वगैरह के बारे में डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर है प्राणियों का घरेलूकरण, संवर्धन और आर्थिक महत्व। अब ध्यान देना, घरेलूकरण का मतलब यहाँ पर है पशुपालन से,
घर पे हम कौन से ऐसे पशु पाल सकते हैं जिनसे हमारा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यानी कि इकोनॉमी बढ़ सके या फिर हम बोलते हैं हमारे लिए आर्थिक महत्व के वो हैं। इसके अलावा संवर्धन, संवर्धन पे यहाँ पर बात होती है कि जब पशुपालन एक बड़े लेवल पे किया जाता है तो वो हो गया संवर्धन, और फिर उसका आर्थिक महत्व यानी कि मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, ये सारे आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा जो बायोलॉजी का क्लास 12th का जो सिलेबस है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर हम बोर्ड के एनालिसिस पेपर की देखे हैं तो बोर्ड का पेपर आपके 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ए बी सी एंड डी। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सी और डी जो सेक्शन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। यहाँ पर सी और डी सेक्शन के अंदर 3-3 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, और जो ए सेक्शन है उसके अंदर 13 क्वेश्चन है और बी सेक्शन में 11 क्वेश्चन है। यानी कि जो 13 क्वेश्चन है ए सेक्शन के अंदर वो सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स के हैं, और जो बी सेक्शन है उसके अंदर जो 11 क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के, यानी 22 मार्क्स है। और जो सी सेक्शन है उसके अंदर 3 क्वेश्चन है और वो कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं। और जो डी सेक्शन है वो आपका कितने क्वेश्चन है, उसके अंदर भी 3 क्वेश्चन है और वो कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के। ये तो आपका हो गया बोर्ड पेपर का एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर संवेदी अंग ज्ञानेंद्रियों के अंदर आँख के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।